हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवाना सिंधी। स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सब प्रॉन्स की रेसिपी, झींगा रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे प्रॉन्स मसाला, प्रॉन्स पुलाव, और उसके बाद क्रिस्पी प्रॉन्स बनाएंगे जो बाहर रेस्टोरेंट स्टाइल मिलते हैं। बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं क्रिस्पी प्रॉन्स। ये हमने टाइगर प्रॉन्स बनाए हैं, तो ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद हम बनाएंगे राइस के साथ प्रॉन्स करी। तो ये चारों रेसिपी आप बनाइए और मज़े कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये चारों रेसिपी किस तरीके से बनाएं। तो ये हमने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी ना हो तो आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पर है। तो हांडी अच्छे से गर्म हो चुकी है। हमने सबसे पहले इसमें 5 से 6 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। और जीरा डालने के बाद फ्रेश करी लीव डालेंगे इसमें। फ्रेश करी लीव भी हमने मुट्ठी भर डाले हैं। उसके बाद हमने 2 प्याज चॉप कर ली है, वो भी हमने डाल दी है। जब जीरा और करी लीव अच्छे से तड़क जाए उसके बाद प्याज ऐड करें। तो देखिए प्याज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्याज को हमें सिर्फ 1 मिनट तक पकाना है, उसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो देखिए प्याज अच्छे से पक चुकी है। उसके बाद हमने 2 से 3 हरी मिर्चों को कट कर लिया है, वो भी हमने इसमें डाल दी है। तो उसको भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए वो भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमें वहाँ तक के भूनना है जब तक कि उसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो देखिए अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो चुका है और अच्छे से बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसके अंदर हम 2 टमाटर जो हमने इस तरीके से चॉप कर लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे। और टमाटर को डालने के बाद भी इसको अच्छे से हम भूनेंगे। इसको हम 1 मिनट तक टमाटर को पकाएंगे। देखिए 1 मिनट हो चुकी है, टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। पहले इस तरीके से चम्मच की मदद से टमाटर को इस तरह से आप कर लें तो देखिए अच्छे से मैश हो जाएंगे थोड़े थोड़े। अब इसके अंदर 1 से 2 चम्मच भर के हमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे उसमें। उसके बाद इसके अंदर हम 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच भर के हम हल्दी पाउडर डालेंगे। देखिए हमने हल्दी पाउडर भी इसमें डाल दिया है। उसके बाद स्वाद के मुताबिक हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो देखिए स्वाद के मुताबिक हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। और नमक डालने के बाद इसमें होममेड गरम मसाले हम ऐड करेंगे। ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच होममेड गरम मसाले डाल दिए हैं। सभी मसाले हमने ड्राई मसाले डाल दिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका तेल ऊपर दिखने ना लगे। तो इसको हमें इसे ही अच्छे से भूनना है। गैस की फ्लेम को आप मीडियम स्लो ही रखें। उसके बाद हमने 3 से 4 चम्मच जितना इसमें कोकोनट मिल्क ऐड किया है। कोकोनट मिल्क इसमें आप जरूर से लें, ये कंपलसरी है। तो देखिए कोकोनट मिल्क डाल दिया था। उसके बाद भी हमने अच्छे से मसालों को भूना है। हमने भूनने के टाइम पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो देखिए जो बचा हुआ कोकोनट मिल्क है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे जब मसाले अच्छे से भून जाए उसके बाद, ठीक है। तो हमने 200 से 250 ग्राम जितना कोकोनट मिल्क ऐड किया था। उसके बाद 25 ग्राम जितना इमली का पल्प डाल दिया है। तो इमली का पल्प डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर ले और इसको अच्छे से एक उबाल आने दे। जब उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें प्रॉन्स ऐड करेंगे, यानी कि झींगे। देखिए ये मैंने झींगे अच्छे से वॉश करके कोरे करके रखे हैं और एक एक करके हम डाल देंगे। ये मैंने बड़ी साइज़ के झींगे मेरे पास है वो मैंने डाले हैं। आपके पास कोई भी साइज़ के हो, छोटे बड़े आप कोई भी ले सकते हो, उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये मैंने 1 किलो झींगे लिए हैं जो बड़ी साइज़ के हैं, तो वो हमने इसमें डाल दिए हैं। तो झींगे डालने के बाद उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए स्टार्टिंग में आप थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को फुल कर दें और उसके बाद उसको स्लो करने के बाद 10 से 15 मिनट रहने दें। तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं होता कि ऑलमोस्टली हमारा सब मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसको हम ढक्कन ढक देंगे और ढक्कन ढक कर हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुकी है, मसाला से बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। देखो आप देख सकते हो कि अच्छी हमारी झींगा करी बनकर रेडी हो चुकी है। ये करी साउथ इंडियन स्टाइल करी है और बहुत मज़े की लगती है और बहुत टेस्टी होती है। ये साउथ इंडियन करी के अंदर आप जितना भी शोरबा रखना चाहते हो आप रख सकते हो। अगर आप थोड़ा कम पसंद करते हो तो आप उसे थोड़ा फुल करके उसको जला दें, ठीक है। तो देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं और ऊपर तेल भी आ गया था। तो इस टाइम पर हम
गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारी झींगा करी बनकर रेडी हो चुकी है और लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो ये गर्मा गर्म झींगा करी बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा। ये झींगा करी बॉइल्ड राइस के साथ और चपाती के साथ बहुत मज़े की लगती है, तो आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये साउथ इंडियन स्टाइल झींगा करी की रेसिपी कैसी लगी। और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक तड़का के साथ बने रहिए। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो देखिए ये मैंने टाइगर प्रॉन्स ले लिए हैं, ये बड़ी साइज़ के होते हैं, छीलने से पहले काफ़ी बड़ी साइज़ के, छीलने के बाद इस तरीके से दिखते हैं। अगर आपको टाइगर प्रॉन्स किस तरीके से छीलते हैं अगर आपको वो भी देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए प्रॉन्स को इस तरीके से मैं बीच में से कट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से हमें करना है, ये अच्छे से इस तरीके से खुल जाते हैं तो पकौड़े बहुत बढ़िया से क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। इसकी नसें साफ़ करके मैंने पहले से अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिए थे। देखिए अब टाइगर प्रॉन्स को मैं इस तरीके से सभी को बीच में से इस तरीके से कर लूँगी और थोड़ा सा चम्मच की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लूँगी। देखिए ये मैंने 1 किलो टाइगर प्रॉन्स लिए हैं जो 10 से 12 तोले हैं, ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। देखिए अब इसके ऊपर मसाला ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम नमक डालेंगे इसमें, इसका पानी बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल हमने पेपर पर रख के इसको ड्राई कर लिए हैं। ठीक है तो सबसे पहले हमने नमक इस पर डाल दिया है, स्वाद के मुताबिक हम नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसमें सफ़ेद मरी पाउडर डाल देंगे, अगर आपके पास सफ़ेद मरी पाउडर नहीं है तो आप काली मरी का भी पाउडर डाल सकते हो, काली मिर्च का भी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, टेस्ट में उससे कुछ फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है तो हमने वो भी डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम हल्दी पाउडर डालेंगे। देखिए इस तरीके से मैं हाथों की मदद से इस तरह से ऊपर से मैं छिड़क रही हूँ, इसे थोड़ा थोड़ा कर फैला कर अच्छे से डालें और उसके बाद हाथों से हम टैप करेंगे। और ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है, लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा डालिए और अगर कम खाते हो तो कम डालिए। ठीक है और ये देखिए मैंने जिंजर गार्लिक का पाउडर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट का भी, बिल्कुल बारीक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने पाउडर इस पर डाल दिया है जिंजर गार्लिक, देखिए अच्छी तरह से। अब इसको हम अच्छे से हाथों से मसालों को फैला देंगे कि अच्छे से प्रॉन्स पे चढ़ जाए। ठीक है इसको बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर ना मसले, वरना ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। अब लास्ट में हम इसके ऊपर हम एक नींबू लिया है हमने, तो नींबू का रस भी हम इसमें डाल देंगे। नींबू का रस आप डालिए तो उससे बड़े टेस्टी बनते हैं। कोई भी सी फूड में हल्दी, नमक और नींबू कंपलसरी होता है, ठीक है तो उस बात का ध्यान रखें। तो देखिए अच्छे से मैंने हाथों से अलट पलट करते हुए मसाले अच्छे से प्रॉन्स पे लगा दिए हैं। मुझे मिर्ची थोड़ी कम लगी तो फिर से मैं मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए। तो मिर्ची डालकर भी हमने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है हल्के हाथों से। अब इसको आप चाहो तो मैरिनेट करने के लिए 10-15 मिनट के लिए रख सकते हो, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। तो देखिए मैंने मैदा लिया है 1 कटोरी में और मैदे के अंदर मैं स्वाद के मुताबिक मैंने नमक डाला है और आधी चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। वो डालने के बाद उसको अच्छे से मैं हाथों से मिक्स कर लूँगी। और दूसरी साइड पर मैंने ये ब्रेड क्रम लिया है बड़े वाला और 2 अंडे ले लिए हैं जिसको मैंने फेंट लिया है। और मैदे के अंदर मैं आधी चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर भी डालूंगी और उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये तीनों चीज़ों हमने रेडी करके रखी है। अब जो हमने प्रॉन्स पे मसाला लगा के रखा था वो हम एक एक करके इस पर देखिए इस तरह से पहले मैदे की कोटिंग करेंगे और मैदा सबसे पहले लगाने के बाद उसको हम अंडे में डीप करेंगे। देखिए 2 मैंने अंडे लिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, डायरेक्ट आप प्योर अंडा ना लें, उसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड करें और उसके बाद अंडे में डीप करने के बाद फिर से दोबारा हम मैदे में डीप करेंगे और उसके बाद फिर से हम अंडे में डीप करेंगे और लास्ट में हम इस पर ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे। तो दूसरे हाथ से मैं इस तरह से ब्रेड क्रम की कोटिंग इस पर अच्छे से लगा देंगे। तो इस तरीके से सभी हमें टाइगर प्रॉन्स को हमें लगा कर रेडी कर लेना है। देखिए अच्छे से इस पर कोटिंग कीजिए सभी चीज़ों की, ये इस तरीके से रेडी हो जाते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी प्रॉन्स इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। देखिए पहले मैदे में लगाइए, उसके बाद अंडे में और उसके बाद लास्ट में ब्रेड क्रम में। तो इसी तरीके से सभी प्रॉन्स को आप कोटिंग करके आप फ्रीज़र में फ्रीज करके भी रख सकते हैं और जब आपका मन करे आप
इसको फ्राई करके खा सकते हो। तो देखिए हमने सभी प्रॉन्स को अच्छे से कोटिंग कर लिया है और दूसरी बाजू हमने एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को फुल रखें, उसके बाद इसको बिल्कुल धीरा कर दें, क्योंकि आप मीडियम स्लो गैस पे ही इसको पकाना है, क्योंकि अच्छे से क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। अगर आप फुल गैस पे करोगे तो जल्दी से फटाफट से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से थोड़े कच्चे रहेंगे, क्योंकि ये प्रॉन्स टाइगर प्रॉन्स है, बड़ी साइज़ के, इसलिए आपको धीमी आँच पर ही इसको पकाने हैं। ठीक है, तो देखिए पैन में जितनी स्पेस है उसके हिसाब से मैंने 4 टाइगर प्रॉन्स इसमें ऐड किए हैं, तो वो हमने डाल दिए हैं। अब उसको एक मिनट तक हम उसको पकाएंगे एक साइड से। तो दूसरा भी मैंने उसको हटाकर एक और प्रॉन्स ऐड कर दिया है। तो 1 से 2 मिनट तक हमने इसको एक साइड से पकाया है। अब उसको हम पलट देंगे, जो पहले हमने डाले थे उसको हम पलटेंगे। तो देखिए मसाला से बढ़िया से पक चुके हैं, ये बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, बड़े ही क्रिस्पी बने थे। मसाला से बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है, ये बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। तो आप इस तरीके से आप गर्मा गर्म टाइगर प्रॉन्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए पहला बैच हमने इस तरीके से निकाल लिया है और दूसरा बैच भी हम इस तरीके से हम डाल देंगे। तो ये हमारे क्रिस्पी से गर्मा गर्म टाइगर प्रॉन्स पकौड़ा बनकर रेडी है खाने के लिए। तो देखिए हमने एक पकौड़ा लिया है प्रॉन्स का, उसको मायोनीज में डिप किया है और इसका हम इंजॉय करेंगे। ये बहुत मज़े के और मसाला ज़बरदस्त बने थे, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर को ज़रूर खिलाइएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये क्रिस्पी टाइगर प्रॉन्स पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक तड़का के साथ बने रहिए। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये हमने एक तपेली ले ली है जिसको हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैं 4 से 5 बड़े चम्मच इसमें तेल डालूँगी और तेल को हम अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। और जब आप देखें कि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके बाद सबसे पहले हम खड़े मसाले ऐड करेंगे, जो यूँ हैं तेजपत्ता, काली मरी, लौंग, तज, 2 बड़ी इलायची और 1 चम्मच जीरा। इन सब मसालों को सबसे पहले तेल में डाल देंगे। जब आप देखें कि मसाले अच्छे से भून गए हैं और उसकी खुशबू आने लगी है, उसके बाद हम सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। प्याज थोड़ी देर में ट्रांसपेरेंट हो जाए वहाँ तक हम इसे भूनना है। ये देखिए मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, जिसको मैंने इस तरह से काट कर उसे ग्राइंड कर लिया है। ये मैंने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने चीरे मारकर कट कर लिया है। 2 मिनट तक इसे हम पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें तब तक पकाना है जब तक कि उसकी अच्छे से खुशबू ना आ जाए और वो अच्छे से भून ना जाए। इन सबको हम 2 से 3 मिनट इसी तरह स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हम दूसरे मसाला ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच भर के हमने गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और स्वाद के मुताबिक हम नमक ऐड करेंगे इसमें और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को हम भूनेंगे। मसालों को अच्छे से भूनना ज़रूरी है, क्योंकि मसाला अच्छे से भूनने के बाद ही उसमें टेस्ट आता है और उसका कच्चापन दूर हो जाता है। देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तेल ऊपर आने लगा है। अब ये मैंने बड़ी एक साइज़ का आलू कट कर लिया है और आलू को मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मैंने 3 से 4 चम्मच अमली का पल्प लिया है, वो मैं इसमें डाल दिया है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये प्रॉन्स को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और उसकी बीज की नस भी निकाल ली है। ये छोटे साइज़ के प्रॉन्स है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। और इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्रॉन्स के साथ और उसे 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। ये मैंने 2 नींबू का रस लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब फिर से हम नमक थोड़ा ऐड करेंगे। ये मैंने जो कोकोनट लिया था उसे पानी डालकर इसे बारीक पीस लिया है, फ्रेश कोकोनट है और उसे एकदम बारीक आप पीस लीजिए और उसके पानी के साथ आप इसमें डाल दीजिए। ये कोकोनट मिल्क होता है, ये इसके टेस्ट को और भी बढ़ाता है, तो आप इसे ज़रूर से डालें। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। जब आप देखें कि उबाल आ चुका है, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे।
मैंने 3 गिलास भर के पानी इसमें ऐड किया है। आप जितने चावल लें उसके हिसाब से आप पानी डालिए और पानी डालने के बाद उसे उबाल आने देंगे। देखिए उबाल आ चुका है और मैंने 3 गिलास भर के चावल लिए थे। ये मैंने बड़ी साइज़ के चावल दिल्ली के या बिरयानी के नहीं लिए हैं, जो हम रेगुलर घर में यूज़ करते हैं मैंने ये जीरासल चावल लिए हैं। पुलाव इसमें जो प्रॉन्स का होता है बहुत मज़े का लगता है। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इस टाइम पर आप गैस की फ्लेम को फुल कर दें। उबाल आने के बाद आप इसमें फ्रेश फुदीना इसमें डाल दें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। इससे उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। देखिए हमने सबको मिक्स कर लिया है अच्छे से और मिक्स करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट तक दम पे दे देंगे। और पानी का आप ध्यान रखें ताकि चावल ज़्यादा नरम ना हो जाए। अब हम इसे देखें 10 से 15 मिनट के लिए दम कर दिया है हमने। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और चावल अच्छे से पक चुके हैं और प्रॉन्स भी अच्छे से गल गए हैं और आलू भी अच्छे से गल गए हैं। हमारा पुलाव खाने के लिए रेडी है गर्मा गर्म। तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और गर्मा गर्म पुलाव को कचुंबर के साथ खाइए और मज़े कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये प्रॉन्स पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। ये हमने एक कढ़ाई ले ली है जिसको मैंने गैस की फ्लेम को स्टार्ट करके गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें मैं 4 से 5 बड़े चम्मच भरकर तेल डालूँगी। तेल का इस्तेमाल इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और तेल को अच्छे से हम गर्म करने के लिए रख देंगे। स्टार्टिंग में हम गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे। जब आप देखेंगे तेल गर्म हो जाए उसके बाद ये मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है और उसको मैं सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे और प्याज को अच्छे से सौते करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद हमने ये 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है, उसे हम डाल देंगे और टमाटर को भी प्याज के साथ हम इसमें पका लेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो करके इसको पकने देंगे। 1 से 2 मिनट हमने प्याज और टमाटर को पकाया है। उसके बाद हमने ये 1.5 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है और उसके बाद हम ये 3 हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने पतला पतला इस तरह से लंबी साइज़ में काट लिया है, बीच में से चीरा कर और उसे भी हम इसमें 2 मिनट तक पकाएंगे। जब आप देखें कि 2 मिनट हो चुके हैं और अच्छी सी अदरक लहसुन की खुशबू आने लगी है, उसके बाद हमने ये 1/2 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर डाला है और 2 चम्मच भरकर हम धनिया पाउडर इसमें डालेंगे और 2 चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और ये 1 चम्मच भर के गरम मसाला का पाउडर हम इसमें डालेंगे और स्वाद के मुताबिक हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इन सब मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मसालों को हम 2 मिनट तक अच्छे से भूनने देंगे और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। अब हम इसे ढक्कन ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाएं। देखिए तेल ऊपर आ चुका है और मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगी है। अब इस टाइम पे जो हमने प्रॉन्स लिए हैं जिसको हमें अच्छे से धोकर साफ़ करना है, मैंने अच्छे से 4 से 5 पानी से धोकर इसे साफ़ कर लिया है। और इस देखिए इसकी बीच की जो नसें होती है वो भी मैंने इसमें से निकाल ली है, उस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। अब इस तरह से मैं प्रॉन्स को इसमें मसालों में डाल दूँगी। ये मैंने 1 किलो प्रॉन्स लिए हैं जो बड़ी साइज़ के भी हैं और बिल्कुल फ्रेश है। सभी प्रॉन्स को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी अभी नहीं करना है क्योंकि प्रॉन्स का अपना भी पानी इसमें निकलेगा और उसी में वो गल जाएंगे। चार से पांच प्रॉन्स प्लेट में अभी भी रह गए हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे ढक्कन ढककर 10 मिनट तक रहने देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुकी है। अब आप चेक करें कि प्रॉन्स गल गए हैं और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। इस टाइम पे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस टाइम पे हमें 2 से 3 चम्मच पानी डालना है ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। देखिए ये हो चुका है।
आप चाहो उस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हो। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी। अब हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढाँक कर रख देंगे। और 5 मिनट देखिए हो चुकी है और तेल ऊपर आने लगा है और प्रॉन्स मसाला हमारा रेडी हो गया है खाने के लिए। अब हम इस पर कोथमीर जो हमने काट के रखा है थोड़ा सा बारीक, इसके ऊपर कोथमीर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो गर्मा गर्म रोटी के साथ, चावलों के साथ प्रॉन्स मसाला खाइए और मज़े कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको प्रॉन्स मसाले की रेसिपी कैसी लगी। और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल के साथ बने रहिए। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ऐसे, और फिर लाइक करो ऐसे।